Good morning, student. You are wrong. Please try again. वो नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से हमें बार बार डिस्टर्ब हो रहा है बेटा. नेटवर्क प्रॉब्लम है, इस कारण क्लास है वो सुचारू रूप से नहीं हो पा रही है. अब हम प्रयत्न करते हैं कि अपनी जो क्लास है वो सुचारू रूप से चले. आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 से पाठ 11 का अध्ययन करे हैं, जिसका नाम है रहीम के दोहे. इसमें रहीम दास जी ने हमें जो मुसीबत के समय जो हमारा साथ दे वही सच्चा मित्र होता है, और जैसे जो जो मछली होती है वह पानी से बाहर निकलने पर अपने प्राणों को त्याग करती है, और वैसे ही जो लेकिन पानी होता है वो उसका साथ छोड़कर चला जाता है, वैसे ही जो संत लोग होते हैं वो अपना धन का संग्रह है वो दूसरों के लिए करते हैं, अपने लिए नहीं. इन विभिन्न दोहों के माध्यम से उन्होंने हमें सीख देने की कोशिश करी है. तो हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर रहीम के दोहे से. अपना पहला जो रहीम का दोहा है उसको पढ़ते हैं. कही रहीम संपत्ति संगे बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसोटी जे कसे ते ही साँचे मीत. संपत्ति यानी धन दौलत. संपत्ति का क्या अर्थ होता है? धन संपदा हो, धन दौलत हो. विपत्ति यानी संकट मुसीबत. कसोटी यानी परीक्षा, किसी की कसौटी पर खरा उतना यानी परीक्षा पर खरा उतरना. सगे यानी अपने जो होते हैं, खुद के जो होते हैं उन्हें कहा गया है सगे. और बहु यानी बहुत प्रकार से, बहु यानी बहुत प्रकार से. रीत, रीत यानी तरीका, यानी बहुत प्रकार के तरीके जो होते हैं उसे कहते हैं रीत. कसे यानी घिसने पर, और तेई यानी उसी प्रकार, और मित मित यानी मित्र. इसमें इसके इस दोहे में महाकवि रहीम दास जी हैं, वो उन्होंने हमें सच्चे मित्र की पहचान के बारे में बताया कि सच्चा मित्र की, सच्चे मित्र की पहचान हम कैसे कर सकते हैं. तो कवि रहीम दास जी कहते हैं, कही रही संपत्ति संगे बनत बहु बहु रीत. कि धन दौलत के रहने पर तो हमारे बहुत से मित्र बन जाते हैं, यानी हमारे पास जब धन दौलत रहेगी तो हमारे बहुत सारे मित्र बन जाएंगे. और विपत्ति कसोटी जे कसे ते ही साचे मीत. और उसी प्रकार बनत बहुरीत, कि धन दौलत रहने पर बहुत प्रकार से मित्र बन जाते हैं, और कई प्रकार से जो धनवान व्यक्ति से अपना संबंध बना लेते हैं. कोई धनवान व्यक्ति होता है उससे कौन संबंध नहीं बनाना चाहता. अनेक अलग तरीके से धनवान व्यक्ति से सभी अपना जो मित्रता का व्यवहार है वो रख लेते हैं और उनसे मित्र का संबंध बना लेते हैं. परंतु विपत्ति कसोटी जे कसे ते ही साचे मित्र. लेकिन जो विपत्ति के समय मनुष्य का साथ दे वही उसकी सहायता करे वही मित्रता की कसौटी पर खरा उतरता है, यानी वही सच्चा मित्र होता है. सच्चे मित्र की पहचान हमने रहीम दास जी ने कैसे बताई है? रहीम दास जी ने ऐसे कहा है कि यदि हमारे पास धन दौलत हो तो हमारे बहुत से मित्र प्रकार, बहुत से मित्र बन जाते हैं, और अनेक मित्र है वो अनेक अनेक तरीकों से धन रहने पर हमारे मित्र बन जाते हैं. लेकिन सच्चा मित्र कौन होता है? सच्चा मित्र वही होता है जो विपत्ति के समय हमारी सहायता करे, संकट में हमारा साथ दे. वास्तव में वही सच्चा मित्र होता है. इसलिए सच्चे मित्र की पहचान कब होती है? सच्चे मित्र की पहचान संकट के समय हो सकती है. अगला है अपना, जाल परे जल जात बही, तजी मीनन को मोह है, रहीमन मछरी नीर को तऊ न छाड़ती छो है. इसके कठिन शब्दार्थ देख लिए. जाल परे यानी जाल परे यानी जाल में फंस जाने पर, जब मछली होती है वो जाल में फंस जाती है, तो जाल परे यानी जाल में फंसने पर जात बही यानी बहकर निकल जाता है. बहकर निकल जाना, पानी है वो बहकर निकल जाता है. तजी तजी यानी त्याग कर, किसी का परित्याग करके, त्याग करके. मीनन को यानी मछलियों को, और मोह यानी लगाव कहते हैं जिसे प्रेम कहते हैं उसे कहते हैं मोह. नीर, नीर का मतलब हो गया जल. नीर का अर्थ है
जल और तऊ यानी तब भी, तऊ यानी तब भी छाड़ती है यानी छोड़ती है, छो है यानी प्रेम या साथ। तो इस में महाकवि जो रहीम दास जी हैं उन्होंने जल के प्रति मछली के प्रेम के अनुराग का वर्णन किया है कि जो मछली होती है वो जल के प्रति कितना प्रेम करती है। कवि कहते हैं कि जाल परे जल जात बही तजिमीनन को मोह है, कि जाल के पड़ने पर कोई मछुआरा होता है वो जब नदी में या समुद्र में तालाब में कहीं पर भी जब जाल डालता है मछलियों को पकड़ने के लिए, तो जाल के जब मछलियाँ है वो जाल में जब फंस जाती है, जाल के पड़ने पर वो जल में उसमें फंस जाती है मछलियाँ, तो वह जल है वह तो क्या करता है मछली को वहीं छोड़कर आगे पानी है वो बढ़ जाता है। जाल परे जल जात बही तजिमीनन को मोह है, कि जब जाल के पड़ने पर यानी जल में जब जाल को डाला जाता है मछली को पकड़ने के लिए, तब पानी तो क्या करता है जो तजिमीनन को मोह है जो मछली का मोह को त्याग करके आगे बह जाता है, यानी वो मछली है वो जाल में पड़ी रहती है और पानी है वो आगे बढ़ जाता है। लेकिन रहीमन मछली नीर को तऊ न छाड़ी छो, किंतु मछली का जल के साथ इतना गहरा संबंध होता है, इतना गहरा लगाव होता है कि वह पानी को अपने से अलग होना ही नहीं देना चाहती और वह जल के अभाव में तड़प तड़प कर अपनी जान दे देती है। आप देखते हो कि मछली होती है वो जल में रहती है और जल से यदि बाहर निकाल लिया जाए तो वह तड़प तड़प कर अपनी जान दे देती है। तो इसमें मछली और जो पानी है उसके प्रेम संबंध के बारे में बताया गया है कि मछली का जो प्रेम होता है वह निस्वार्थ होता है और वह पानी से अत्यधिक प्रेम करती है, जबकि पानी होता है और जो जल में जब जाल पड़ता है और मछली उसमें फंस जाती है तो पानी होता है वो उसका साथ छोड़कर चला जाता है, लेकिन मछली है वो पानी के अभाव में तड़प तड़प कर अपनी जान गवा देती है। अगला है अपना, तरवर फल नहीं खात है सरवर पियत ना पान, कही रहीम परकाज हित संपत्ति सच ही सुजान। इसके कठिन शब्दार देखिए, तरवर यानी वृक्ष पेड़ पौधे, सरवर यानी जो सरोवर होते हैं तालाब होते हैं उनके लिए आया है, पान यानी पानी, परकाज करना यानी परोपकार करना, दूसरों की हित करना, दूसरों की भलाई करना, परोपकार करना, और संचही यानी एकत्र करना, इकट्ठा करना, किसी भी चीज़ को हम इकट्ठा करते हैं, संग्रह करते हैं, एकत्रित करते हैं उसको कहते हैं संचही। तो इसमें जो रहीम दास जी है उन्होंने परोपकार के महत्व का वर्णन किया, इस दो में उन्होंने परोपकार के महत्व का वर्णन किया है। वो कहते हैं कि रहीम दास जी है वो परोपकार के बारे में बताते हुए कहते हैं कि तरवर फल नहीं खात है सर्वत पिए ना पाए, कि जो पेड़ और तालाब होते हैं वो हमेशा परमार्थी होते हैं। परमार्थी का मतलब है कि दूसरे के हित में लगे रहते हैं, पेड़ और जो तालाब हैं वो हमेशा परमार्थी होते हैं और हमेशा परमार्थ में ही लगे रहते हैं, यानी दूसरों के हित में ही लगे रहते हैं। पेड़ है तरवल नहीं फालत सर्वत पियना अपान, तो पेड़ होते हैं वह अपने फलों को स्वयं नहीं खाते हैं, बल्कि अपने फल से पेड़ के जो फल लगे होते हैं उससे वो दूसरों को प्रदान करता है। ऐसे ही सर्वर पियत ना पान, ऐसे ही क्या होता है जो सर्वर होता है जो तालाब है वो पानी का संचय करता है, लेकिन वो किसके लिए करता है, दूसरों के लिए करता है। तो सर्वर भी अपना पानी है वो खुद नहीं पीता बल्कि परमार्थ में लग रहा था, वह अपना पानी है वो दूसरों को प्रदान करता है, दूसरों को देता है और दूसरे प्राणियों की है वो जान बचाता है। कि तरवर फल नहीं खात है सर्वर पियत ना पान, कि जो तालाब और जो ये तालाब और जो पेड़ हैं वो हमेशा परमार्थ करते हैं, दूसरों की भलाई में लगे रहते हैं
पेड़ है अपने फलों को खुद नहीं खाता, वह अपने फलों को से दूसरों की भूख को मिटाता है, वैसे ही जो तालाब में जो पानी होता है, सरोवर में जो पानी होता है, नदियों में जो पानी होता है, वह खुद नहीं पीते बल्कि अपने पानी से दूसरों की प्यास बुझाते हैं, यानी वो परमार्थ करते हैं। तो वैसे ही कही रहीम पर काज हित संपत्ति ही सुजान, संपत्ति संचय ही सुजान। इसी प्रकार जो सज्जन लोग होते हैं अथवा अच्छे लोग होते हैं, वो अपनी जो संपत्ति का संचय है, अपने धन का संचय है, संग्रह है, वो अपने लिए नहीं करते बल्कि दूसरों के लिए करते हैं, और आवश्यकता पड़ने पर दूसरे लोगों की वो अपनी संपत्ति से सहायता करते हैं। तो कवि हमें इसके माध्यम से, इस दोहे के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि हमें हमेशा दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों की परोपकार के लिए तत्पर रहना चाहिए। हमें अपने धन का संग्रह है अपने लिए नहीं करके दूसरों के परमार्थ के लिए करना चाहिए, कि आवश्यकता पड़ने पर हम दूसरों की सहायता कर सकें, उनको उनको लाभ दे सकें, उनको संकट के समय उनकी सहायता कर सके। तो इसमें तालाब और जो सरोवर के माध्यम से लेखक ने, रहीम दास जी ने हमें यही सीख दी है कि हमें अपनी संपत्ति का संचय नहीं करना चाहिए। अगर हम संपत्ति का संचय करते हैं तो हमें उसे परमार्थ में लगा देना चाहिए। अगला है, धरती की सी रीत है, सीत धाम ओ में है, जैसा जैसी परे सो सही रहे, क्यों रहीम यह दे। सॉरी, ये चौथा रह गया, थोते बादर क्वार के जो रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भय करे पाछली बात। इसके कठिन शब्दार्थ देखिए, थोते यानी जो पानी से रही, तो उन्हें जिन जिन बादलों में पानी नहीं रहता उनके लिए आया है कि पानी थोते, और बादर यानी बादल, क्वार यानी वर्ष के एक महीने का नाम होता है, हिंदी नाम होता है क्वार का महीना। तो घरहात यानी उमड़ते रहते हैं, घरहात यानी उमड़ते रहते हैं, पाछली यानी पिछली, और पिछली बातें करने वाले, और धनी यानी जानते हो, जो धनी पुरुष होते हैं, जो जिनके पास धन होता है उनके लिए कहा गया है। तो इस दोहे में रहीम दास जी ने हमें जो धनी पुरुष होते हैं, जो धनवान लोग होते हैं, उनके बड़प्पन की ओर अपना हमारा जो ध्यान है वो आकर्षित करना चाहा है। कवि रहीम दास जी कहते हैं कि थोते बादर क्वार के जो रहीम घर रात, कि जो कि कवि रहीम के अनुसार धनवान व्यक्ति गरीब हो जाने पर भी अपनी पिछली बातों को, पिछले दिनों को याद करके पछतावा करते रहते हैं, उसी प्रकार कि धनवान व्यक्ति, जो धनवान व्यक्ति होता है वो गरीब हो जाने पर भी अपनी पिछली बातों को याद करके दोहराता रहता है, और धनी पुरुष निर्धन के थोते बादल क्वार के जो रहीम गर्रात, कि जिस प्रकार क्वार के बादल है वो बिना जल के बरसाए केवल उमड़ घुमड़ कर चले जाते हैं, उसी प्रकार जो धनवान होते हैं, धनवान लोग होते हैं, वह निर्धन हो जाने पर भी अपनी पिछली बातों को भूलते नहीं हैं, और अपने धनी होने की जो बातें हैं वो बार बार याद करते रहते हैं और लोगों का ध्यान आकर्षित करते रहते हैं। तो कवि ने इस दोहे के माध्यम से हमें यह कहा है कि हमें जिस प्रकार बादल है, थोते बादल होते हैं और वो उमड़ घर घर आते हैं, लेकिन उमड़ घुमड़ कर यानी केवल गड़गड़ाहट करके ही वो चले जाते हैं, बारिश नहीं करते हैं, उसी प्रकार जो निर्धन, जो धनी व्यक्ति होता है, और धनी व्यक्ति को बाद में जब वह निर्धन हो जाता है तब भी अपनी पिछली बातों को वह याद करना नहीं भूलता, और उन्हीं जो अपनी शानो शौकत के बारे में वो बखान करता रहता है। इसलिए कवि ने इसके माध्यम से हमें जो पिछली बातों को याद नहीं करना चाहिए ये बात कही है, हमें समय के अनुसार ही रहना चाहिए। इस दोहे के माध्यम से रहीम दास जी ने हमें यह सीख दी है। अगला है, धरती की सी रीत है, सीत धाम ओ में है, जैसे परे सो सही रहे, क्यों रहीम यह दे। इसमें कठिन शब्दार्थ देखिए, रीत यानी
जो रीति है, जो व्यवहार है, शीत यानी शीतलता, ठंड जिसे कहे, धाम यानी धूप या गर्मी, ओह यानी और, मेह यानी बरसात, और सही यानी सहन करना, बर्दाश्त करना, देह यानी शरीर, काया, जैसी परे यानी जैसी भी परिस्थिति हो, त्यों यानी उसी प्रकार। तो जो प्रस्तुत जो हमारा पद्यांश है, इसमें कवि महाकवि जो रहीम दास जी हैं, उन्होंने इस दोहे के माध्यम से हमें धरती की भांति सहनशील बनने की प्रेरणा प्रदान कीजिए कि जिस प्रकार धरती है वो सहनशील है, वैसे भी हमें भी धरती की तरह सहनशील होना चाहिए। रहीम दास जी कहते हैं, धरती किसी रीत है सीत दाम ओ में, कि मनुष्य का शरीर धरती यानी पृथ्वी के समान होना चाहिए, क्योंकि जो हमारी धरती माता है वह सर्दी गर्मी बरसात सभी को समान रूप से सहन करती है। गर्मियों में धरती माता हमें यह नहीं करती कि हमें मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, सर्दी में वो यह नहीं करती कि हमें बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है, बरसात में वो ऐसे परेशान नहीं होती कि मेरी धरती पर चारों तरफ पानी ही पानी है, वो ऐसे परेशान नहीं होती है। तो कवि ने हमें धरती की तरह सहनशील, धरती की भांति सहनशील बनने की प्रेरणा प्रदान की है कि जिस प्रकार हमारी धरती है वो सर्दी गर्मी बरसात को समान रूप से सहन कर लेती है, उसी प्रकार जैसी परे सो सही रहे त्यो रहीम यह दे, उसी प्रकार हमें शरीर को ऐसा बनाना चाहिए कि वह सर्दी गर्मी और बरसात को समान रूप से सहन कर ले। यानी यदि हमें भी ऐसा होना चाहिए कि हमें संकट के समय, दुख के समय, सुख के समय एक समान रहना चाहिए। ऐसे नहीं हो कि हम दुख तुम में तो रोने के लिए बैठ जाएं और सुख में हम केवल हंसे। तो इस धरती के माध्यम से कवि रहीम दास जी ने हमें विषम परिस्थितियों में भी एक समान रहने की प्रेरणा प्रदान की है। यानी सुख में हम केवल हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए, और दुख में हम केवल अपने दुखों का बखान करें, ईश्वर को कोसते रहे, हमें ऐसा भी नहीं करना चाहिए। हमें सुख और दुख को कैसी भी परिस्थितियां हो उनके अनुसार अपने को ढालने का प्रयास करना चाहिए। कवि रहीम दास जी ने हमें इस दोहे के माध्यम से यही सीख दी है कि कैसी भी परिस्थितियां, जो विपरीत परिस्थिति हो, उनको हमें धैर्यपूर्वक सहन करना चाहिए। हम उसको सहन करेंगे समान रूप से सुख को दुख को, तब ही निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। तो स्टूडेंट, हमारा जो ये पाठ है रहीम के दोहे, इसमें हमने पांच दोहे थे हमारे, पांचों दोहे का हमने अध्ययन कर लिया है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे, लेकिन हमारी क्लास का टाइम है वो ओवर हो गया है, दूसरी क्लास का टाइम हो गया है, इसलिए हम अपनी क्लास को यहाँ पर समाप्त करते हैं। मैम, आपको कोई बात में समझ में नहीं आई हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। हाँ बोलो बेटा। मैम। यस बेटा। मैम आपकी, मैम मेरे सेकंड हाफ वाली में आपकी कौन सा चैप्टर दोगे? टू और थ्री का, टू और थ्री और प्रार्थना पत्र देंगी। जो प्रार्थना पत्र मैंने आपको भेजे है ना, उसमें से कोई भी एक आएगा, आपको सारे लर्न करने हैं, ठीक है? आपके okay, सारे जो 10 क्वेश्चन तो आपके जैसे आए थे ना फॉर्म मैप पे, 10 क्वेश्चन तो वैसे आएंगे। पूरा चैप्टर आपको रीड करना है, इसकी तैयारी के लिए आप पूरा चैप्टर है वो ध्यान से पढ़ेंगे, और 10 मार्क्स का आपका फॉर्म मैप पे आएगा, 10 मार्क्स का आपका आपको नोटबुक में करना है, ठीक है ना? यस बेटा। मैम प्रार्थना पर वो मैम सारे करने के आपने भेजे हैं? मैंने भेजे हैं वो करने हैं सारे। ओके मैम, ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू। ओके मैम, हैव ए नाइस डे। हैव ए नाइस डे मैम।